गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं विद द न्यूली लॉन्च टाटा हैरियर डार्क एडिशन, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। दूसरी तरफ भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट स्कॉर्पियो एंड जेडेट एल वाला है। ये दोनों ही अपनी सबसे ज़्यादा टॉप वेरिएंट वाले जो अवेलेबल होते हैं उस अवतार में है। हैरियर अभी एक नई लॉन्चिंग है, एन को थोड़ा सा टाइम हो गया है। दोनों की पावर स्पेक्स की बात करें तो जो हमारी हैरियर है 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, जो प्रोड्यूस करती है 170 bhp विद 350 nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, ह्यूंडई सोर्स गियरबॉक्स आता है। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियो है उसमें 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन आता है, ये भी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, पर ये प्रोड्यूस करती है 185 bhp और उसी के साथ हमारा 400 nm ऑफ टॉर्क। तो मतलब 50 nm टॉर्क हमारा स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा है। स्कॉर्पियो हमारी रेयर व्हील ड्राइव है, हैरियर हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो स्टार्ट करते हैं राउंड वन और बाकी भाइयों से भी पूछते हैं उन्हें क्या लग रहा है। वीर जी भाई, जैसे हमने पिछली बार करी थी ना, हाँ। वो था BS6 थी, तो भाई वो जो है ना 90 के बाद निकल रही थी, फिर 120 के बाद ये दोबारा निकल रही थी, हाँ। यहाँ जो ट्रैक है मुझे लग रहा है 100-110 तक ही रह जाएगी। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि कंपटीशन रहेगा। मेरे को फिर भी लग रहा है एन थोड़ी सी एज ले जाएगी, ड्रैग ड्रैग एज इसलिए ले जाएगी क्योंकि इसका लॉन्च अग्रेसिव है ज्यादा, कोई नहीं, जो हल्का सा माइन्यूट सा लैग लेती है। चलो 50 nm का फायदा देखते हैं, और रियर व्हील ड्राइव है, वेट्स हां ज्यादा है, ये भी है। तुषार भाई क्या लग रहा है? स्कॉर्पियो एंड ड्रैग में। प्रथम भैया, भाई जी क्या लग रहा है? स्कॉर्पियो। इलाहाबाद भाई स्कॉर्पियो। बाकी भाई आज हम बैठने वाले हैं हैरियर में, उनके लिए अपनी हैरियर में, साथ में अपने अतीश भाई। क्या मोड रखोगे भैया? सिटी मोड रखते हैं। सिटी मोड है, ट्रैक्शन ऑफ होता है इसका? ट्रैक्शन ऑफ होता है? नहीं होता। हेलो भैया, कह रहे हैं सिटी मोड, कह रहे हैं ठीक है। स्कूटी पे रख के ले जा। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एसी ऑफ कर दो। वो पूरा ही हमने कर लिया स्पोर्ट्स मोड, पहले सिटी मोड कर लेते। चलो पहले स्पोर्ट्स मोड है, एसी ऑफ है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ होता नहीं है ना? ट्रैक्शन ऑफ होगा नहीं, ठीक है। ट्रैक्शन ऑफ नहीं होता भाई इसका? कोई नहीं, हमारा हो जाता है। आप भी ऑन रखो फिर। नहीं, फेयर करो ना पहली। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है। चलो चलो जी, चलो कर रहे राउंड वन स्टार्ट। तुषार को बोलते 3-2-1 करा दे। तुषार 3-2-1 करा दे। चलो जी दबा के रखो रेस। 3-2-1 छोड़ दो। हल्का सा लैग, हल्का सा लैग भाई। 100 रुपये निकल गई यार, जल्दी निकल गई। उठी तो दोनों बराबर थी यार, ये चली भी कम है ना अभी तो। रवानी हुई ना अभी तो, सिर्फ ये 530 किलोमीटर चली है, उस हिसाब से हुई नहीं गाड़ी। बताए एक बार चलेगी ना तब पता लगेगा असली। बिल्कुल, बाकी एक बार आप फोन पकड़ो, पैडल शिफ्टर यूज करके देखते हैं आज। ठीक है भैया, पैडल शिफ्टर यूज नहीं करे। डन डन डन। हाँ जी वीर जी, सब सही था? हाँ जी। के गए था छोरे हैं, ले फिर आज पैडल शिफ्टर ही यूज करे आज। नहीं ऑफ ही रहने दो अभी यार, ये 530 चली है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुलने में। हाँ, वो भी तो नहीं चली यार, चली है, मजे ले रहे हैं यार। भाई गाड़ी बोल रही है। चलो करें, चलो पहले मत कर देना शिफ्टिंग, पहले उठा ली उसने, पहले शिफ्ट कर दिया है? वही कह रहा था मैं आपको, पहले मत शिफ्ट कर देना, पहले शिफ्ट कर। हाँ ले लो, पत्थर उड़ाएगी वो, पत्थर उड़ा रहे हैं यहाँ पे, बहुत पत्थर है भाई, फिर से रहेगी यार हैरियर। ये तो ये देखो ना, नॉर्मल ट्रैक नहीं है। पर ये है कि यार इसके अंदर ना वो नहीं फील होते बाकी तरह गड्ढे वगैरह, जैसे आराम से स्मूथली निकलती है। सस्पेंशन बेटर है इसका काफी। हाँ। थोड़ी सी आगे करो। सेटिंग्स वीर जी। हाँ जी भाई, ये एसी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड है। हाँ थोड़ा सा डिले हो गया था, लेट हो गया था मैं उठाने। मैंने ऐप पे डाल लिया। ठीक है, आपका स्पोर्ट ही रहने को। ठीक है, ठीक है, ओके जी। एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ। हाँ ठीक है, निकल जाए फिर करो। ठीक है, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, जा मोड। ठीक है, पूरा ब्रेक पुश, पूरा ब्रेक पुश। 3-2-1 बढ़िया उठी। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये बाद में क्यों हुआ? गियर बहुत लेट चेंज हो रहा है। हाँ। पता है कितने पे D2 हुआ है? 51 पे। अच्छा हाँ, ले लो ब्रेक।
ये तो ठीक ठाक गैप से एन जीत रही है भाई। हाँ, एन जीत रही है, पर वही है कि अभी थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे ये खुलेगी ना। हाँ, अभी तो यार ब्रांड न्यू गाड़ी है, वैसे भगाई नहीं, इतना कुछ नहीं करा। हाँ, चार दिन तो हुए हैं गाड़ी को, चौथे दिन ही आ गई ट्रैक पे, तो एक बार गाड़ी भागेगी ना। पर वैसे इंप्रूवमेंट्स तो बहुत है। हाँ, नो डाउट, गाड़ी वैसे तो बहुत बढ़िया हो गई है यार वैसे। हाँ, तो आपको वही है ना, टाटा जो चीज के लिए है। हाँ, वो तो उस चीज में इसकी कोई कमी नहीं है, कंफर्ट हो, सेफ्टी हो, फीचर्स में भी आ गए। हाँ जी, एन तो एन है भाई, एन तो एन है, सिटी ड्राइव मोड है, ठीक है। टाटा से भाग ही नहीं रही वो, कोई नहीं, सिटी में करते हैं एक बार, सिटी में। यार भी फिर मैंने एसी ऑन कर लिया, ठीक है, ठीक है, सिटी में आप वो डालो ना, जिप पे तो बहुत धीरे हो जाएगी। मैंने जैप मोड है, एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। दो मिनट रुकना, फोन आ रहा है। आपका सिटी मोड है और सिटी मोड है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ कर लो। नहीं होता, स्विच नहीं मिल रहा है, नहीं होता, बटन ही नहीं है। मेरा शीशा आपको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, हिल डिसेंट है वो। हाँ, ऑफ कर दिया वो, पहले शीशा ऊपर करो मेरा। सिर्फ गियर शिफ्ट का पंगा है, सिर्फ गियर शिफ्टिंग है, थोड़ी सी इसकी डिले है उसके मुकाबले, वरना वैसे तो बहुत बढ़िया। रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो। तो भाई यही है गेम के, अपनी हैरियर अभी तो फिलहाल हार रही है, बाकी हम जब अपने मेन ट्रैक पे करेंगे। हाँ, और जब ये थोड़ी सी 1000-2000 किलोमीटर चल जाएगी, मेन 1000 वाली थोड़ी सर्विस में चेकिंग वेकिंग हो जाएगी। हाँ, फिर देखेंगे क्या कमाल दिखाती है हैरियर, फिलहाल के लिए तो हैरियर विनर है अभी। हाँ, यस भाई, मूड क्या रखें, एसी कर लेते हैं बिल्कुल ऑफ, एसी ब्लोअर बिल्कुल हमारा ऑफ हो गया, स्पोर्ट्स मोड हमारा लगा हुआ है, डायल भी हमने चेंज कर लिया, अब टैकोमीटर लगाते हैं। क्या मोड है, जूम, जूम मोड है, ट्रैक्शन अपना ऑफ है, ठीक है, और एसी ऑफ है, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ होता नहीं है, और पैडल शिफ्टर यूज करेंगे ताकि गियर शिफ्ट तेज हो जाए। जंप हो गया था मेरे से जंप हो गया था, नहीं नहीं जंप, हाँ ऑन बजा दूं, या जंप हो गया था मेरे से, थोड़ा सा गैप में फर्क आया पर बहुत ज्यादा नहीं। गाइस, आपने सारे राउंड देख लिया हमारे हैरियर वर्सेस स्कॉर्पियो एन के, एंड गाइस अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो एन ही जीतती है, नई हैरियर हमारी लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं जीत पाती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अभी भी नहीं है। 200cc और जो 50 Nm टॉर्क और 5 BHP जो एक्स्ट्रा है हमारी एन में, वो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट दे रही है, इवन दो उसमें ज्यादा वेट भी है, पर लॉन्च भी फिर भी एन का ज्यादा अग्रेसिव है। मोर ओवर जो हैरियर का गियर बॉक्स है, इवन तो ह्युंडई सोच रहे, बट अभी या तो गाड़ी नहीं है इसलिए वो इतनी खुल के नहीं भग रही, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, हम मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी एंड बाय बाय।